दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 को लेकर। ट्वेल्थ एग्जाम में मैथ के सवाल के लिए मिलेंगे पूरे नंबर। दोस्तों इस तरह की अपडेट हम आपको देते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12 की कॉपियां चेक करने वाले मूल्यांकनकर्ता को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की ओर से सर्कुलर प्राप्त हुआ है, जिसमें कहा गया है कि गणित के पेपर में आए मुश्किल प्रश्नों के लिए छात्रों को पूरे नंबर दिए जाएं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर के 6 अंकों के प्रश्न को दो अलग अलग तरीकों से समझा जा सकता है, जिससे दो अलग अलग उत्तर हो सकते हैं, इसलिए छात्रों को इन प्रश्नों के पूरे नंबर मिलने चाहिए। सीबीएसई ने 30 मार्च को मूल्यांकनकर्ताओं को प्रश्न संख्या 29 जो सेट नंबर 1 और 2 में थी, प्रश्न नंबर 27 जो सेट नंबर 3 में था के लिए एक अलग मार्किंग स्कीम को पालन करने का निर्देश दिया। आपको बता दें कई छात्र 6 नंबर पूरे देने के फैसले से खुश नहीं हैं। दिल्ली स्कूल के एक छात्र ने कहा, इस नई मार्किंग स्कीम के साथ जिन छात्रों ने गलत आंसर दिया है उन्हें भी पूरे नंबर मिलेंगे तो सही नहीं है। आपको बता दें सीबीएसई की ओर से मूल्यांकनकर्ताओं के लिए जारी सर्कुलर की जानकारी अभी आधिकारिक वेबसाइट cbse.nec.in पर नहीं दी गई है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 2 दिन पहले मूल्यांकनकर्ताओं को नोटिस भेज दिया गया था। वहीं एक मूल्यांकनकर्ता ने दावा किया कि लाभ सभी छात्रों तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि नोटिस में देरी हुई थी। वहीं कई शिक्षकों का मानना है कि सवाल सीधा था और छात्रों को किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2019 को लेकर। बताया जा रहा है कि 12th क्लास के मैथ के पेपर में लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन पर पूरे नंबर दिए जा सकते हैं। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उस क्वेश्चन में गलती थी या फिर नहीं थी, नीचे कमेंट बॉक्स में आके टाइप जरूर कीजिएगा। और आप लोग मुझे ये भी बताइए कि आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जिससे कि मुझे आगे न्यूज़ देने में मदद मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।